Let's get started with the most important questions for 2019 HSC Maths paper. ये क्वेश्चन पूछा गया था एक मार्क के लिए अगेन मार्च 2017 में. तो y is equals to tan cube theta और x is equals to sec cube theta, राइट. तो हमको dy by dx चाहिए. तो dy by dx के लिए हमको पहले dy by d theta निकालना है. तो dy by d theta क्या होगा, 3 tan square theta chain rule into tan theta का derivative, that is sec square theta. और यहाँ पे अपन dx by d theta निकालेंगे, थोड़ा यहाँ पे निकाल लेते हैं. dx by d theta is equal to क्या होगा, तो 3 sec square theta into sec theta का derivative sec theta into tan theta. अगर आपको फॉर्मूले में प्रॉब्लम्स होती हो तो मैंने एक अपलोड किया वीडियो जहाँ पे सारे फॉर्मूले डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन बहुत आसानी से लर्न करने लगाए हैं, तो बहुत आसानी से हो जाएंगे. वो ट्रिक्स एंड टिप्स है, तो अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो आप देख सकते हैं. जैसे कि उस टाइम पे मैंने बोला था sec theta और cosec theta सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, तो उनके डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन सबसे गंदे होते हैं. तो sec theta into tan theta, तो ये जगह 3 sec cube theta into tan theta, राइट. सो dy by dx फाइनली क्या होगा, dy by dx होगा dy by d theta अपॉन dx by d theta, विच इज़ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 tan square theta. ये वैसे MCQs है तो ऑब्वियसली तुम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये एक्सपेक्टेड रहेगा कि ऐसे कुछ MCQs आ जाए. विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे से ये sec square theta का यहाँ पे क्यूब गया, यहाँ पे स्क्वायर गया, यहाँ पे tan theta गया, और यहाँ पे 3 कैंसिल. तो आई गेस आंसर है tan theta upon sec theta. अच्छा ठीक है, यहाँ पे tan theta को हम sin cos में बदल देंगे, तो ये sin theta upon cos theta और sec theta होगा 1 upon cos theta, तो ये कैंसिल, फाइनली आंसर आ जाएगा sin theta, राइट. बट हमको क्या चाहिए, at theta is equals to pi by 3, तो दैट इज़ इक्वल टू sin pi by 3 dy by dx at pi by 3, विच इज़ इक्वल टू sin pi by 3 यानी sin 60, यानी कि क्या होगा आंसर, √3/2. ये क्वेश्चन दो मार्क के लिए पूछा गया था मार्च 2017 के पेपर में. dy by dx इफ़ x sin y प्लस y sin x इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x sin y प्लस y sin x इज इक्वल्स टू 0. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, साइन वाई का डेरिवेटिव होगा कॉस वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, दैट इज साइन वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव, दैट इज 1, प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव वाई इंटू कॉस एक्स, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, दैट इज साइन एक्स इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. अब सारे डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म अपन एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल के बचेगा यहाँ पे एक्स कॉस वाई, राइट, ये वाली एक टर्म और दूसरी ये वाली टर्म, प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू, और बची हुई टर्म्स जो है ये दोनों अपन राइट हैंड साइड पे डाल देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन वाई प्लस वाई कॉस एक्स. सो फाइनली देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसके न्यूमरेटर में रहेगा माइनस साइन वाई प्लस वाई कॉस एक्स, ऑब्वियसली ब्रैकेट डालना ज़रूरी है, अपॉन एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स, दैट इज़ योर आंसर. अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2017 में 4 मार्क्स के लिए. ये प्रूफ भी है प्लस एक छोटा सा डेरिवेटिव भी, उससे प्रूव करना है अपने को. सो वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट इनवर्स फंक्शन एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई एग्जिस्ट, देन प्रूव दैट एक्स इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ वाई एंड डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. अब कैसा है, एंड ऑल्सो फाइंड टैन इनवर्स डी डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स. अब कैसा है कि ये जो एक मेथड है ना, कि ये जो सेंटेंस है जो अपन अभी बनाया है, दैट इज लेट डेल वाई बी द इंक्रीमेंट इन वाई करस्पॉन्डिंग टू एन इंक्रीमेंट डेल एक्स इन एक्स एज डेल एक्स टेंड्स टू 0
डेल वाई टेंस टू ज़ीरो, यानी कि डेल वाई पे जो इंक्रीमेंट होगा वाई पे, तो एक्स पे जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा वैसे वैसे वाई पे इंक्रीमेंट होगा, और वो डेल वाई से होगा और इधर डेल एक्स से होगा, राइट। तो ये हमको ये स्टेटमेंट तो हमेशा लिखना ही है, चाहे वो चेन रूल हो या कोई भी तुमको डेरिवेटिव उसका प्रूफ करना पड़े। सो देयरफॉर उसके हिसाब से अगर हमको पता चलेगा तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो अगर हुआ तो वो हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, राइट। ऑल्सो अब हमको ये पता है कि डेल वाई बाई डेल एक्स, अब डेल वाई बाई डेल एक्स एक छोटा सा इंक्रीमेंट है, राइट, वाई में छोटा सा इंक्रीमेंट और एक्स में छोटा सा इंक्रीमेंट, तो ऑब्वियसली एक नंबर है। अपॉन डेल एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू वन, जैसे कि डेल एक्स होगा 0.00 करोड़ जीरो के बाद वन, और डेल वाई होगा 0.00 करोड़ जीरो और एक और जीरो के बाद वन, लाइक ये दोनों इतने क्लोज एक दूसरे से। सो इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू वन हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर डेल एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन डेल वाई बाई डेल एक्स, राइट। इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अब टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स एज डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो वी गेट, राइट, जैसे हमने दोनों जगह लिमिट लगा दिया, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो ये हो जाएगा डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा वन अपॉन लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल वाई बाय डेल एक्स। सो देयरफॉर हमको ये पता चलता है कि ऑब्वियसली अब सिंस मतलब देखो क्या है कि सिंस देयरफॉर नहीं सिंस लिमिट इन LHS exists, सो देयरफॉर लिमिट इन नहीं एक्चुअली अपने को डेल वाई बाई डेल एक्स अपने प्रूव किया, तो लिमिट इन RHS exists, सो देयरफॉर लिमिट इन LHS also exists, और देयरफॉर इस पे से ये प्रूव होगा कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी वाई, राइट। सो देयरफॉर हम ऐसा प्रूव कर सकते देयरफॉर डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और इसका हमको ऐसा रीजन लिखना एज डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल वाई टेंड्स टू ज़ीरो, राइट। अब इसके बाद हम प्रूव करेंगे वाई की चीज़, तो y इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ x, राइट। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू टैन y, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू टैन y, सो हमारे पास ये आ जाता है कि हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू अंडर रूट सो ये हमको इम्प्लाई करेगा कि cos y इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस टैन स्क्वायर वाई, दैट इज नथिंग बट वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमको पता है कॉस वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन सेक वाई होता है, और सेक वाई को हम लिख सकते हैं अंडर रूट वन प्लस टैन स्क्वायर वाई। लेकिन तो मैं लिख देता हूँ कि जैसे सेक वाई हमको पता है वो हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस टैन स्क्वायर वाई, और sec y इज नथिंग बट वन अपॉन cos y, तो हमने ये चीज़ यूज़ किया। सो देयरफॉर फाइनली अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा वन अपॉन डी एक्स बाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू होगा वन अपॉन sec स्क्वायर y, राइट। क्योंकि हम x को विथ रिस्पेक्ट टू y अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे से x इज इक्वल्स टू tan y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx एक्स बाई डी वाई हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर y, राइट, विच इज़ नथिंग बट वन अपॉन
कॉस स्क्वायर वाई। अब क्योंकि मेरे पास इधर स्पेस नहीं है ज़्यादा तो ठीक है, तो हमारे पास जैसे डी वाई बाई डी एक्स आ गया था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन डी एक्स बाई डी वाई विच इज़ इक्वल्स टू वन अपॉन सेक्स स्क्वायर वाई विच इज़ इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर वाई। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, एंड देयरफॉर फाइनली डी टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस वाई का होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, हमने ये इधर से शुरुआत की थी, बता दो। तो हमने शुरुआत इस प्रकार की थी, लेट डेल वाई बी